Assalamu alaikum, dear students. Now we are moving towards lab number 7, which is single sideband suppressed carrier modulation. Keeping in mind that same topic we are teaching in, we are learning in our lecture series. So aaj se humne single sideband suppressed carrier modulation ki lecture bhi start kiya hai, jo ki introductory tha ek tarike se. Next class mein inshallah usko detail mein study karenge. Lab 7 जो है वो सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर है. लैब नंबर 8 जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की है, जो कि नेक्स्ट वीक का टॉपिक है हमारा, जो हम नेक्स्ट वीक में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे. आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर समझ में आएगा इंशाल्लाह. और अगेन NI-LVS 2 का बोर्ड है, डेटेक्स एमोना डेटेक्स का, उसके ऊपर माउंट है हमारे पास, और हमारे पास एक अदद ये है क्या कहते हैं चाहिए, ईयरफोन्स है, माइक्रोफोन्स है, और प्लस उसके सारे कनेक्टर्स हैं. तो आप ही के सामने मैं जो हूँ सारे कनेक्शंस भी करूंगा साथ साथ लाइव, आप लोग देखते भी जाइएगा. अच्छा दूसरा एक ये बात आप लोगों से, अच्छा ये हमारा एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो कि हम सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की जो ट्रांसमिशन है उसके लिए हम यूज करेंगे. यू कैन इजीली सी दैट वी हैव गॉट टू मल्टीप्लायर्स ओवर हियर. एक तो ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इंडिकेट्स द फेज शिफ्ट. This block indicates the phase shift. दो double sideband suppressed carrier है, एक 90 degree की phase shift के साथ है, एक 0 degree की phase shift के साथ है, दोनों को add करेंगे तो हमारे पास एक sideband जो है वो 0 degree पे होगा, एक 90 degree पे होगा, carrier wave के साथ वो cancel, उसका multiply के साथ जब add करेंगे तो cancel होगा. तो in short हमें फिर एक single sideband suppressed carrier हमें वहाँ पे available होगा जो कि मिल जाएगा वहाँ पे. तो ये एक important block diagram बता रही है, तो ये इसका बहुत important element है block diagram. जहां तक दूसरी बात है कि सिंगल साइड बैंड कर क्यों रहे, वजह उसकी ये है कि हमारे पास जो है आपका कैरियर, पहले तो मेजॉरिटी कैरियर के अंदर, मेजॉरिटी कैरियर के अंदर जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसमिट हो रही थी, और चूंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होने की वजह से 66% पावर समझ लें ट्रांसमिट हो रही थी, तो और किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन उसमें हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे थे, ट्रांसमिट नहीं कर रहे थे, और यूटिलाइज कर रहे थे हम 66% पावर विदाउट एनी यूसेज. तो सबसे पहले तो हमने कैरियर को सप्रेस किया, और जब कैरियर सप्रेस करने के बाद हमने कहा कि अपर साइड में लोअर साइड में सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारी बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन मजीद इफेक्टिव हो सकती है अगर हम एक साइड बैंड को सप्रेस कर दें और एक साइड बैंड को आगे मजीद ट्रांसमिट करें. तो अब हमने फिर एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करना है, इसको फिल्टर करना है, उसको रिमूव करना है, और एक ही साइड बैंड को आगे हमें जो है वो आगे ट्रांसमिट करना है. तो इसका मतलब यह है कि हमें एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो है ना उसको सेलेक्ट करना है, और एक बैंडविड्थ को सेलेक्ट करने के बाद ही ट्रांसफर करना है. अच्छा दूसरा हमने लेक्चर के अंदर ये बात स्टडी भी कर रहे थे साथ साथ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ भी करूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉरी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी डिपेंड बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया फ्रीक्वेंसी पे मैन का, सही है, और ये उसके एम्पलीट्यूड आ गए, ये उसके एम्पलीट्यूड आ गए, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गए, सही है, बट दिस इज कैरियर फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड का मतलब ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखा रहा हूँ एज कम्पेयर टू साइड बैंड्स, ताकि आपको अंदाजा हो कि साइड बैंड्स के एम्पलीट्यूड कितने कम होते हैं. एक साइड बैंड का एम्पलीट्यूड आप देखें 66% कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गए, और बाकी हमारे पास ये हमारे पास आ गए अपर साइड बैंड, और फिर दूसरा आ गया हमारे पास सॉरी ये अपर साइड बैंड, और दूसरा आ गया हमारे पास लोअर साइड बैंड. तो ये है हमारे पास लोअर साइड बैंड, दिस वन इज लोअर साइड बैंड, दिस इज वन इज कैरियर फ्रीक्वेंसी, this one is carrier frequency, this one is upper side band, this one is upper side band. अब हमने या तो upper side band select करना है या lower side band select करना है. फिलहाल तो ये जो हम practical कर रहे हैं तो phase shift method से, लेकिन जो ज्यादातर method use होता है वो होता है filtering method. मैं filtering method के दोबारा थोड़ी सी आपको information इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह से filter out कर सकते हैं. अब हमने चूंकि मखसूस बैंड को सिलेक्ट करना है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि लोअर साइड बैंड को सिलेक्ट करना है या अपर साइड बैंड को सिलेक्ट करना है. वैसे कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर हमने इन दोनों में से किसी एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करना है तो हम हायर बैंड को ट्रांसमिट करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए ताकि एंटीना साइज कम हो सके, क्योंकि हम जब लोअर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे तो एंटीना साइज बड़ा हो जाएगा. इसलिए हम अगर इन अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड में से किसी मखसूस बैंड को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो हम ये चाहेंगे कि अपर साइड बैंड सिलेक्ट हो ताकि एंटीना साइज हमारा कम हो सके. दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी बैंड की सिलेक्शन. अब हमने ये देखा था कि प्रीवियस लैब के अंदर हमने वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट किया था,
वॉइस सिग्नल की एक बैंडविड्थ है 2.5 किलोहर्ट्ज से लेकर 3.5 या 3 किलोहर्ट्ज तक एक बैंडविड्थ है उसकी। इस बैंडविड्थ को सिलेक्ट करना है पहली बात तो ये। दूसरा, जो फिल्टर्स यूज होते हैं वो अल्टरनेबल नहीं होते, यानी कि उनकी बैंड एक मखसूस सिलेक्शन के ऊपर होती है। हम कैरियर को स्विच आगे पीछे कर सकते हैं ताकि हमारा जो एक मखसूस साइड बैंड है उस बैंड के अंदर है। ये बात बहुत जरूरी है समझने की, जो फिल्टर्स की सिलेक्टिविटी है वो अल्टर नहीं की जा सकती, वो अल्टर नहीं करते, वो मखसूस बैंड पे सिलेक्टेड होते हैं, ये एडजस्टेड होते हैं या उनको मखसूस बैंड पर डिजाइन किया जाता है। तो हमने कैरियर को ऐसे सिलेक्ट करना होता है ताकि वो उसका जो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड या जिस बैंड को हमने सिलेक्ट करवाना है उसकी बैंड की जो बैंड फ्रिक्वेंसी उस बैंड के अंदर लाइक करे। फॉर इंस्टेंस मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपर साइड बैंड को सिलेक्ट करूँ, और अगर मैं अपर साइड बैंड को सिलेक्ट करूंगा और मेरा अपर साइड बैंड को सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो क्यू फैक्टर है वो ऐसा आ रहा है कि मेरा जो ये बेल कर्व है बहुत फ्लैट, मेरा बेल का फ्लैट बनता जा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल बनता जा रहा है। इसमें देखे ना, अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिकली, मैं तो दोबारा बनाऊ इसी तरीके से, मैं इसको दोबारा बनाऊ, मैं एक जो चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर वो समझ में आ गई तो शायद मेरा मसला हल हो जाएगा। मतलब कि मैंने ये देखा कि मैंने जब एक क्यू फैक्टर, लो क्यू फैक्टर वाला मैंने बैंड पास फिल्टर बनाया, जब लो क्यू फैक्टर वाला मैंने बैंड पास फिल्टर बनाया तो मैंने ये देखा कि मेरे पास ऑलमोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं इसको नए कलर से बनाऊ, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर ऑलमोस्ट देखें ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ये फ्रिक्वेंसी तो सिलेक्ट हो रही है, मेरे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी तो सिलेक्ट हो ही रही है। कौन सी वाली? ये फ्रीक्वेंसी तो सिलेक्ट हो रही है, लेकिन साथ साथ जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन आ रही है ये सारी फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है जो कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। मुझे तो खाली ये एक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, मुझे तो खाली ये अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी। ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से वो दूसरी फ्रीक्वेंसीज भी मेरे पास आएंगी तो इससे डिस्टॉर्शन इंक्रीज होगी। तो अब मुझे ये करना है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा जो वो है क्या कहना चाहिए, और मैं इसको मिटाऊंगा, मेरे पास जो फिल्टर है वो फ्रीक्वेंसी फ्लैट ना हो, यानी फ्रीक्वेंसी फ्लैट इस तरह से ना हो बल्कि वो इस तरह का हो, मैं दूसरे कलर से बनाऊ, बल्कि वो इस तरह से हो कि उसकी स्टीप स्लोप हो उसके, और जितना मैं स्टीप स्लोप कर सकता हूं उतना मैं स्टीप स्लोप कर लूंगा उसका। स्टीप स्लोप से मुराद क्या हो मेरा, कि मेरा जो क्यू फैक्टर है फिल्टर का, जो मेरा क्यू फैक्टर है फिल्टर का, मेरा क्यों नहीं हो रहा भाई, सॉरी, जो मेरा क्यू फैक्टर है फिल्टर का, जो मेरा फिल्टर का क्या है बेटा, मैं मजीद स्टीप स्लोप बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं मजीद स्टीप स्लोप बना के दिखाऊं ग्रीन पेन से, देखें अब ये मजीद स्टीप स्लोप बनाया, उससे क्या होगा मेरा क्यू फैक्टर मेरा जितना हाई होगा मैं मखसूस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करूंगा, यानी क्यू फैक्टर हाई होने से मेरी फ्रीक्वेंसी की क्या इंक्रीज हो रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी, मखसूस फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ मैं अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC+FM। मैं चाह रहा हूँ FC+FM ही फिल्टर आउट हो। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल या क्यू फैक्टर लो कर दिया अपने फिल्टर का, उससे क्या होगा, इंटरफेरेंस इंक्रीज। तो एक तो ये प्रॉब्लम है फिल्टर के साथ कि मुझे फिल्टरेशन के अंदर अपना क्यू फैक्टर हाई करना है, और हमने ENM में स्टडी किया था क्यू फैक्टर हाई करना है, मतलब ये कि जो मैचिंग है सिंक्रोनाइजेशन है बिटवीन कैपेसिटर इंडक्टर एंड रेजिस्टर, या इन शॉर्ट RC सर्किट की जो हमारे पास फिल्टर लो पास फिल्टर या बैंड पास फिल्टर जो बनाते हैं उसमें उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी 2 pi FL एंड 1/2 pi FC, इन दोनों को कैंसिल आउट होना है ताकि R बचे हमारे पास, हमें अगर बैंड पास फिल्टर बनाना है, बैंड पास फिल्टर की आपको डायग्राम भी पता है, तो कैंसिल होने के बाद हम मखसूस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकें अगर हमारे पास सिंक्रोनस ज्यादा होगी, तो ये इशू है। दूसरा हम ये कर सकते हैं, कि जो मैसेज सिग्नल है इसकी तो अपनी एक हमारे पास, मैं इसको नए कलर से कर लेता हूँ, ये वाला, अच्छा जी, जो मैसेज सिग्नल है, ये जो मैसेज सिग्नल है ये तो हमने साइन वेव बना दिया, यानी यहाँ पर आ गया साइन वेव, यहाँ पर साइन वेव, ओवरहेड वेव व्हाट साइन वेव, अब इस मल्टीप्लायर में तो साइन वेव जा रही है, इस मल्टीप्लायर में साइन वेव जा रही है, इस मल्टीप्लायर में ये फेज शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री का,
इस मल्टीप्लायर में फेज शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री का, यानी यहाँ पर साइन वेव नहीं जा रही, यहाँ पर जा रही है कोसाइन वेव। मैं बना नहीं पाऊंगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं बना नहीं पाऊंगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जा रही है कोसाइन वेव, यहाँ पर जा रही है साइन वेव, यहाँ पर जा रही है कोसाइन वेव। अब इस वाला जो DSBSC है ये फेज शिफ्टेड है, दिस वन हैज गॉट फेज क्या शिफ्ट, यहाँ पर फेज शिफ्टेड आउटपुट आएगी, आइए। और यहाँ पर जो नॉर्मल DSBSC की आउटपुट होती है वो आएगी, कैरियर में इनपुट कर दी। अब यहाँ पर देखें कैरियर अगेन, यहाँ पर फेज शिफ्ट कैरियर का होगा, यहाँ पर अगेन कैरियर का फेज शिफ्ट है विच इज दिस वन। और यहाँ पे आपका कैरियर जो नॉर्मल कैरियर साइन वेव का कैरियर था वो इनपुट हो रहा है, यानी यहाँ पर नॉर्मल कैरियर इनपुट हो रहा है। यानी अब ये यहाँ पर एक फेज, यहाँ पर जीरो डिग्री के आउटपुट कह लें, जीरो डिग्री, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें फेज शिफ्ट नहीं है। मैं जीरो डिग्री नहीं लिखता, बल्कि इसमें लिखता हूँ नो विदाउट फेज शिफ्ट, मैं इसमें लिखता हूँ विदाउट फेज, यानी यहाँ पर है विदाउट फेज शिफ्ट, और यहाँ पर क्या है फेज शिफ्ट। यानी एक यहाँ पर जो अपर साइड, क्योंकि हमारे पास DSBSC में सिर्फ उसमें क्या आता है अपर साइड में आता है, सॉरी DSBSC में क्या आता है हमारे पास, DSBSC में आता है एक तो लोअर साइड में प्लस अपर साइड में, सही। और यहां पर भी क्या आएगा लोअर साइड में प्लस अपर साइड में। अब होगा क्या, जब ये दोनों ऐड होंगी तो एक बैंड ऐसा होगा या लोअर साइड बैंड ऐसा होगा जिसके आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिलेशन हो रही होगी बिकॉज ऑफ दिस फेज शिफ्ट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मखसूस अपर साइड बैंड या लोअर साइड। इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे क्लास के अंदर, अगली क्लास जब आएगी तो इंशाल्लाह हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से कैंसिलेशन हो रही होती है और कैसे कैंसिलेशन होती है। तो एक तो ये थ्योरी हो गई छोटी मोटी, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हमारे पास जो क्या कहते हैं आपका लैब है, लैब की डायग्राम है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग्स को, कनेक्शंस को। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लगाया ताकि हम ये ऑसिलोस्कोप पहले इसके लगा देते हैं ताकि इजीली हो जाए हमारा काम। ये ऑसिलोस्कोप यहाँ लगा दिया, सेकंड ऑसिलोस्कोप हमने यहाँ लगा दिया, सॉरी गलत लगा दिया, फंक्शन जनरेटर में लगा दिया, चैनल जीरो और चैनल वन। अच्छा जी, ये दो ऑसिलोस्कोप लगा दिए हमने, चैनल जीरो चैनल वन के लगा दिए। अब हमने जो है सबसे पहले हम चाह ये रहे हैं कि फेस शिफ्टर आपको दिखा सकें कि फेस शिफ्टर जो है आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ जी, देखिए लिखा हुआ है क्या, फेस शिफ्टर, ये लिखा हुआ है क्या आपका फेस शिफ्टर, ये उसकी नॉब दी हुई है कि कितना आपने फेस शिफ्ट करना है, जीरो डिग्री पे करना है, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जैक्टली जीरो डिग्री, अगर इसको ऊपर करेंगे जीरो डिग्री, इसको नीचे करेंगे तो ये 180 डिग्री का आउटपुट देगा। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल जीरो डिग्री का आउटपुट चाह रहे हैं, अब यहाँ पर आपने इसको मिनिमम कर दिया, अभी ये जीरो है, तो जैसे इसको नीचे करेंगे तो आउटपुट पे 180 डिग्री का फेस शिफ्ट नजर आएगा आपको। जैसे आप इसको ऊपर कर देंगे आउटपुट का फेस शिफ्ट आपको जीरो नजर आ जाएगा, नहीं आपकी दोनों वेव्स जो है वो जीरो पे आ जाएंगे। तो आपने फंक्शन जनरेटर से हम पहले इसको, फंक्शन जनरेटर ये रहा आपके पास, दिस इज द फंक्शन जनरेटर, इस फंक्शन जनरेटर से वेव प्रोड्यूस करते हैं फंक्शन आउट। इतना है तार हमारे पास, बिल्कुल है तार, ये फंक्शन आउट की वेव आ गई हमारे पास। इस फंक्शन आउट को हमने फेस शिफ्टर के इन पे डाल दिया, वेयर इज दिस फेस शिफ्टर के इन, इनपुट पे डाल दिया। अच्छा, हम कोशिश करते हैं ब्लू वाली ले लें, येलो वाली पर, येलो और ब्लू अवेलेबल है खाली हमारे पास। हाँ जी, बड़ी तार बढ़ गई, छोटी तार। और फंक्शन जनरेटर से ही, फंक्शन आउट से ही हमने, हमने फंक्शन आउट से ही हमने चैनल नंबर जीरो की आउटपुट लगे दिखा, मैं आपको एक काम करता हूँ दिखा देता हूँ पहले ये कैसे नजर आ रही है हमारे पास, मैं आपको चैनल पे आपको दिखा, हमने क्या किया कि चैनल नंबर जो है वो जीरो जो है वो उस पर कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका चैनल नंबर जीरो है, ये इसका ग्राउंड है, चैनल नंबर जीरो मैंने फंक्शन जनरेटर पे कनेक्ट कर दिया, सॉरी चैनल नंबर वन कनेक्ट किया मैंने, माय मिस्टेक, चैनल नंबर वन कनेक्ट किया और ये मैंने कनेक्ट कर दिया आपका, क्या कहते हैं आपका चैनल नंबर जीरो मैंने कनेक्ट कर दिया इसकी आउटपुट पे, फंक्शन की आउटपुट पे, और इसका ग्राउंड साथ ही में। मैं भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ फंक्शन की आउटपुट कैसे नजर आती है आपको। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन, ऑसिलोस्कोप,
ऑसिलोस्कोप आ गया हमारे पास, उसको रन किया। आउटपुट अच्छा जी, ऑसिलोस्कोप आ गया आपका, ऑसिलोस्कोप आ गया, स्क्रीन शेयर है आपका। ऑस्किलोस्कोप लगाना है और हाँ जी ऑस्किलोस्कोप ही आ गया। अच्छा जी, इसको जब हम रन करेंगे, इनेबल किया, इनेबल करने के बाद जैसे ही रन करेंगे तो आप देखें ये हमारे पास आउटपुट आ गया। सर मैं इसको सर अभी आउटपुट नजर नहीं आता जी। नजर आ रहा है आउटपुट, देखो नजर सर अब आ गया। आ रहा है आउटपुट। हाँ मैं थोड़ा सा इसको मजर ऊपर करूँ, दिखाना चाहूँ फेस शिफ्ट आप कैसे नजर आ रही है, उसको स्टॉप। ये देखो तो अब आपको फेस शिफ्ट नजर आया बेटा, इनपुट से आउटपुट से। इनपुट जो चैनल नंबर जीरो है ना, चैनल नंबर जीरो ये रहा आपका, दिस इज द चैनल नंबर जीरो। चैनल नंबर जीरो को हमने फेस शिफ्ट से दिखा रहे हैं, चैनल नंबर जीरो जो है वो ग्रीन कलर से है और चैनल नंबर जीरो जो है वो फेस शिफ्ट की आउटपुट है। वेयर इज कंसर्न चैनल नंबर वन जो है वो मैंने साइन वेव ले लिया, 10 2 किलोहर्ट्ज का मास्टर सिग्नल लिया साइन वेव, और इसको मैंने इनपुट किया है तो हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। तो अगर इसको हम रन करें दोबारा, अब देखिए मैं इसकी नॉब को नीचे करूंगा, ये आउटपुट चेंज हो गई आपके पास, ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट। अब आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फेस शिफ्ट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास फेस शिफ्ट आउटपुट नजर आ रही है। हम फिर मूव करते हैं हम इसके तरफ, क्या कहते हैं, ये कहना चाहिए डायग्राम की तरफ। अच्छा जी, इसके लिए हम स्टॉप शेयर करेंगे पहले बोर्ड। तो अब हम ये करते हैं कि अब यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर के नीचे लिखा, सॉरी मास्टर सिग्नल, मास्टर सिग्नल के नीचे लिखा हुआ है 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव, 100 किलोहर्ट्ज की कॉस वेव। यानी ऑटोमेटिकली हमारे पास इस बोर्ड के ऊपर ये ऑप्शन मौजूद है कि 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव और उसका एक फेस शिफ्टेड वर्जन 100 किलोहर्ट्ज की कॉस वेव जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने ये तो कैरियर तो जनरेट कर दिया, अब हम फंक्शन जनरेटर से हमको सिग्नल भी तो जनरेट करना है, जो जो हमारा बेसबैंड सिग्नल है और उसको भी हमने इनपुट देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये देखिए, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अभी 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव है, सही, ये जो 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव है वो तो आपके पास ये आ गई कैरियर से, 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव यहाँ पर आ गई, ये 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव यहाँ पर आ गई। जो 100 किलोहर्ट्ज की कॉस, 100 किलोहर्ट्ज की कॉस वेव है वो ये आ गया आपके पास, ये आपके कैरियर को फेस शिफ्ट कर दिया हमने, ये हमने आपके कैरियर को फेस शिफ्ट कर दिया, यानी कि यहाँ से हम कैरियर जनरेट करके फेस शिफ्ट कर। फिर हमको क्या करना है कि हम या तो 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव इस्तेमाल कर लें एज अ मॉडी एज अ बेस बैंड सिग्नल, या फंक्शन जनरेटर से प्रोड्यूस कर लें, या हम स्पीच सिग्नल ले लें। हम तीनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लैब के अंदर क्या हुआ है कि फंक्शन जनरेटर को यूज किया उसने, जरूरी नहीं कि आप फंक्शन जनरेटर का यूज करें। आप मास्टर सिग्नल में जो 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव है इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ बेसबैंड सिग्नल, या फिर अपने स्पीच सिग्नल को भी इनपुट दे सकते हैं इधर फेस शिफ्टर के अंदर और फिर उसकी एक आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम कैरियर जनरेट कर रहे हैं ए, और कैरियर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 100 100 कैरियर की फ्रिक्वेंसी कितनी, 100 किलोहर्ट्ज, दिस इज अवर कैरियर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एक को हम डायरेक्टली इनपुट दे देंगे यानी 100 किलोहर्ट्ज का साइन वेव, और एक को हम फेस शिफ्ट लेंगे। तो उसको हम देखते हैं कैसे, ये देखिए ये आ गया हमारे पास ब्लू कलर, ब्लू कलर से 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव ये मैंने लगा दी। ये मेरे पास आ गया येलो कलर, येलो कलर से मैंने 100 किलोहर्ट्ज की कॉस वेव लगा दी। अब मैंने क्या किया, इस 100 किलोहर्ट्ज की साइन वेव को मल्टीप्लायर के एक्स इनपुट पे दे दिया, सही है, और इसको मैंने, क्योंकि तुम्हारे पास दो, हमारे पास क्या कहते हैं मल्टीप्लायर, यानी दो हमारे पास बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज हो रहे हैं, तो एक को तो मैंने दे दिया आपके मल्टीप्लायर नंबर वन पे, सही है मेरे बच्चे, एक को दे दिया मैंने मल्टीप्लायर नंबर वन पे, और दूसरे को मैं दूंगा यानी 100 किलोहर्ट्ज का जो कॉस वेव है उसको मल्टीप्लायर नंबर 2 के वाई में दे दूंगा, यानी मल्टीप्लायर नंबर 2 मेरे पास ये रहा, उसके मैंने इसको वाई में दे दिया। अब ये मेरे पास दो, मेरे पास क्या आ गए बेटा, कैरियर्स आ गए, सही है, ये दो मेरे पास कैरियर जनरेट हो गए फेस शिफ्ट के साथ। अब मुझे क्या जनरेट करना है, अब मुझे वॉइस सिग्नल यानी मेरे जो बेस बैंड सिग्नल जनरेट करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि बेस बैंड के लिए या तो मैं
इस साइन वेव को यूज कर लूं, हम टू क्लोट के साइन वेव को यूज कर लूं, या तो मैं इस स्पीच को यूज कर लूं, या तो मैं ये जो फंक्शन जनरेटर है इस फंक्शन जनरेटर का फंक्शन आउट जो है इसको यूज कर लूं। बोथ ऑफ द थिंग्स जो है ना मेरे लिए पॉसिबल है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टू क्लोट्स के साइन वेव को यहाँ पे जो टू क्लोट्स का मास्टर सिग्नल है ना इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ एज अ बेसबैंड सिग्नल। लैब मैनुअल में आपको फंक्शन जनरेटर से बना हुआ नजर आएगा ताकि दोनों फ्लेवर मिल जाए आपको कि कैसे बाकी फ्लेवर्स को यूज करें। तो अभी हम फिलहाल टू क्लोट्स के साइन वेव को एज अ बेसबैंड सिग्नल यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, इस टू क्लोट्स के साइन, एक तो आप डायरेक्टली इसकी इनपुट दे दें यहाँ पर, इसको तार छोटी पड़ रही है ये। हाँ जी, एक तो आप इसकी डायरेक्टली इनपुट दे दें, सॉरी एक तो आप इसकी डायरेक्टली इनपुट दे दें, कहाँ पर कितना देनी है इसकी डायरेक्टली इनपुट फंक्शन जनरेटर के साथ दे दें, एक तो ये आप डायरेक्टली इनपुट दे दें यहाँ पर, और एक इसको फेस शिफ्ट करें, एक इसी को, और इसको इसी को ये लिखा होगा ना यहाँ पर फेस शिफ्टर, ये था फेस शिफ्ट करें, और इसकी जो फेस शिफ्टेड आउटपुट है, इसकी जो फेस शिफ्टेड आउटपुट है, इसकी जो फेस शिफ्टेड आउटपुट है, सही है, इसकी जो फेस शिफ्टेड आउटपुट है इसको आप दूसरे मल्टीप्लायर के इनपुट पे दे दें। दूसरा मल्टीप्लायर कहाँ गया, ये दूसरे मल्टीप्लायर की इनपुट पे, सॉरी इनपुट पे दे दें। तो मैंने क्या किया, अभी एक डायरेक्टली अप्लाई कर दिया मैंने जो है टू क्लोट्स का साइन वेव, और एक मैंने आपको फेस शिफ्ट के साथ, एक मैंने आपको डायरेक्टली फेस शिफ्ट के साथ लगा के दे दिया, और एक मैंने आपको, सॉरी एक मैंने आपको फेस शिफ्ट के साथ लगा के दे दिया, और एक मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। अच्छा, मैंने क्या गलती तो नहीं कर दी कोई फेस शिफ्ट के साथ? अच्छा हाँ, यहाँ लगा दिया और मैंने यहाँ लगा दिया, सही लगा दिया। अब इसको हम देखते हैं, व्यू करने की कोशिश करते हैं कैसे। हाँ, मैंने ये कनेक्ट नहीं किया, सॉरी ये कनेक्ट नहीं किया आपका, क्या चीज, मैंने आपका ये क्या कहना चाहिए, ऑसिलोस्कोप कनेक्ट नहीं किया। तो मैं ये ऑसिलोस्कोप एक तो यहाँ लगा देता हूँ, प्लस ग्राउंड, एक ऑसिलोस्कोप यहाँ लगा दिया, एक ऑसिलोस्कोप मैं लगा देता हूँ आपका चैनल नंबर, अच्छा चैनल नंबर वन मैं, सॉरी मैं ताकि मैं लैब मैनुअल के हिसाब से ही करूँ। हाँ, चैनल नंबर वन का मैंने ऑसिलोस्कोप लगा दिया आपका मल्टीप्लायर नंबर टू के साथ, और चैनल नंबर जीरो का जो ऑसिलोस्कोप है इसको मैं लगा देता हूँ ताकि नजर आ जाए सिग्नल हमारा, जो बेसबैंड सिग्नल है वो बेसबैंड सिग्नल मेरा ये रहा, इसको मैं लगा देता हूँ इधर ताकि आप बेसबैंड सिग्नल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और आपको नजर आ जाए उसकी क्या कहना चाहिए ये। तो मैंने ऑसिलोस्कोप कहाँ लगाया बेटा, मैंने ऑसिलोस्कोप लगाया चैनल नंबर वन की, सॉरी मल्टीप्लायर नंबर टू, यानी ये जो मल्टीप्लायर नंबर टू है इस मल्टीप्लायर नंबर टू की आउटपुट पर चैनल नंबर आपका वन लगा दिया और चैनल नंबर जीरो लगा दिया आपका बेसबैंड सिग्नल के साथ। अब हम देखते हैं इसको व्यू करते हैं, इसका आउटपुट कैसे नजर आएगा, दफा फिर दोबारा इसकी स्क्रीन देख लें ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। क्या किया, मैसेज सिग्नल जनरेट किया, मैसेज सिग्नल यहाँ 10 किलोवाट्स का लिखा है, हमने 2 किलोवाट्स का मैसेज सिग्नल ले लिया जो कि मास्टर सिग्नल है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। उस मास्टर सिग्नल को, इस मास्टर सिग्नल को हमने इनपुट दिया, एक तो हमने डायरेक्टली इनपुट दिया इधर क्या कहते हैं मल्टीप्लायर नंबर वन में, और इसी मास्टर सिग्नल का हमने एक आउटपुट लिया जो कि हमने फेज शिफ्टर पर डाला, और फेज शिफ्टर से उसको आउटपुट लेकर मल्टीप्लायर नंबर टू पे दे दिया। यानी हमने क्या किया, यहाँ से जो चैनल नंबर जीरो ये लगा दिया, और चैनल नंबर जीरो आपका ये आपका लगा हुआ मैसेज सिग्नल के साथ जो डायरेक्टली मैसेज सिग्नल आपको दिखाएगा, और ये जो डीएसपीएससी चैनल सिग्नल भी है चैनल नंबर वन पे नजर आएगा आपको जो कि ये रहा, जो कि चैनल नंबर वन पे नजर आएगा जो कि आपका ये। तो ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम आ गई इसकी। नाउ अब हम देखते हैं इसको एज अ उस पर क्या नजर आता है आपके पास, क्या कहते हैं आउटपुट पे कैसा नजर आता है। चले अब इसकी हम लोग आउटपुट व्यू कर लेते हैं, आउटपुट किस तरह से नजर आ रही है, और ऑसिलोस्कोप ओपन हो जाए जरा, ऑसिलोस्कोप हमारा आ गया, ऑसिलोस्कोप और स्क्रीन शेयरिंग ऑसिलोस्कोप की ऑन करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग आ गई, ऑसिलोस्कोप की आ गई। अच्छा जी रन कर रहे हैं उसको, अच्छा थोड़ा सा अच्छा जी, तो सही अभी हम देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लायर नंबर टू की आउटपुट है,
ये मल्टीप्लायर नंबर टू की आउटपुट है और ये मल्टीप्लायर नंबर वन की आउटपुट है। ये मल्टीप्लायर नंबर वन की आउटपुट आ गई हमारे पास और ये मल्टीप्लायर नंबर टू की आउटपुट आ गई। मैं अगर फेस शिफ्ट दे दूं, देखिए आपको फेस शिफ्ट नजर आएगा यहाँ पर। तो अभी हमने क्या किया है, दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लायर से जो हम आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों को हमने किस पे नहीं डाला, हमने एडर में डाला। जब हम एडर में डालेंगे तो हमें सिंगल साइड बेंड नजर आएगा, यानी अभी हमें डबल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर नजर आ रहा है आउटपुट पर। मल्टीप्लायर से जो आउटपुट आती है वो डबल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर की आ रही है फिलहाल। अब इस मल्टीप्लायर की आउटपुट को हमने दोनों मल्टीप्लायर्स को ऐड करना है और फिर सिंगल साइड बेंड कैरियर हमें नजर आएगा। सही है बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं, लैब में कि कैसे हम मजीद अब दोबारा एडर में डाल के क्या करना है। अब देखिए मैं ब्लॉक डायग्राम पहले देखने में क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से लैब होगी परफॉर्म। क्या किया हमने यहाँ तक, तो यानी एक डबल साइडमेंट ये प्रोड्यूस कर लिया, एक डबल साइडमेंट ये वाला प्रोड्यूस कर लिया। अब इन दोनों को एडर के इनपुट पे देना है और सिंगल साइडमेंट देखना है चैनल नंबर वन के ऊपर, यानी चैनल नंबर वन जो है हमारा, इसको हम सिंगल साइडमेंट सप्रेस्ड कैरियर की फॉर्म में व्यू करेंगे। दिस इज अवर फाइनल ब्लॉक डायग्राम जो हमें आउटपुट देखनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ऑसिलोस्कोप को निकालेंगे, सही है, यहाँ से ऑसिलोस्कोप निकालेंगे और ये हमारे पास एडर मॉड्यूल किधर है भाई, हमने अभी प्रीवियस लैब में ये रखा। दिस इज अवर एडर मॉड्यूल, ये हमारा एडर मॉड्यूल है, ये हमारा एडर मॉड्यूल है और ये दो इनपुट्स हैं एडर मॉड्यूल की, ए एंड बी, दीज आर द टू इनपुट ऑफ अवर एडर मॉड्यूल। यानी एक पे हम ए लगा देंगे, एक पे बी लगा देंगे और यहाँ हम उसकी आउटपुट देखेंगे। सही है, तो स्मॉल जो छोटे लेंथ के तारे हैं वो यूज कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ब्लू लगाते हैं, ब्लू लगा रहे हैं हम मल्टीप्लायर नंबर वन से जो कि इनपुट ए में जा रही है। ये ब्लू आ गया हमारे पास, ये ब्लू आ गया और ये मल्टीप्लायर नंबर वन से लग गया, और येलो, और दूसरा येलो आ गया, ये मल्टीप्लायर नंबर टू से लग गया, ये मल्टीप्लायर नंबर ये टू से लग गया। ये हमारे पास दोनों लग गई हैं। चलें अब हम इसकी फाइनल जो आउटपुट है ये चैनल नंबर वन को हमने जो है ये देखें, ये चैनल नंबर वन की आउटपुट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। एक ए में हम ले लिया यहाँ से आउट, यहाँ चैनल नंबर मल्टीप्लायर नंबर वन से ले लिया ए में आउटपुट, और बी में इनपुट ले लिया हमने मल्टीप्लायर नंबर टू से, और अब इसको हम ऐड करने जा रहे हैं। तो ये आउटपुट हमने यहाँ लगा, क्लियर है बेटा, क्लियर है। हाँ जी क्लियर। क्या किया हमने, दोबारा इसको देख लेते हैं, हमने क्या किया, DSBSC की एक आउटपुट को बी में लगा दिया मल्टी एडर की, DSBSC की दूसरी इनपुट आउटपुट को मल्टी एडर की ए इनपुट पे लगा दिया, यानी जो दो मल्टीप्लायर में इस्तेमाल किया। चलें अब हम इसका, वो व्यू कर लेते हैं आउटपुट, व्यू कर लेते हैं हम। अब आउटपुट देख लेते हैं बेटा इसकी, NILVS बोर्ड को लॉन्च करते हैं, ऑसिलोस्कोप। अच्छा जी ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप नजर आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा होगा नजर, और इसको मैं अच्छा जी, अभी हमारे पास फेज शिफ्ट जब हम करेंगे दोनों सिग्नल्स को, तो आप देखिएगा कि किस तरह से आउटपुट हमारी चेंज होती है फेज शिफ्ट के बाद, आउटपुट कैसे हमारी चेंज होगी फेज शिफ्ट के बाद। देखिएगा ये देख रहे हैं, ये देखिएगा आउटपुट चेंज तो नजर आ रही है बेटा आप लोगों को। यस सर, यस सर। मैं खाली क्या कर रहा हूँ, फेज को शिफ्ट कर रहा हूँ, फेज शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको स्टॉप करता हूँ, देखिए पहले तो ये आउटपुट आ रही है, जैसे ही फेज शिफ्ट करूंगा, ओहो सॉरी स्क्रीन शेयरिंग तो ऑफ हो गई, हाँ जैसे ही मैं आउटपुट शिफ्ट करूंगा, सॉरी इसको रन करता हूँ, ये देखिए कितने आउटपुट चेंज हो रही है। तो जैसे आप फेज शिफ्ट करते जाएंगे तो आपका एक साइड बैंड कैंसिल हो रहा है और एक साइड बैंड आपको नजर आ रहा है। अब एक और तरीके से कर लेते हैं इसको एक और तरीके से कर लेते हैं, हम चाह रहे हैं फंक्शन जनरेटर से इसकी इनपुट ले लें,
कि फंक्शन जनरेटर हमें कैसी आउटपुट देगा, तो वो भी हम करके देखते हैं। सही है फंक्शन, तो फंक्शन जनरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ से इसको निकालेंगे सिंपल। सही है, इसको हम निकाल देते हैं ताकि क्लियरी हो जाए, क्लियरिटी हो जाए। सही है, रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने, बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन है, और हम ये कोशिश करते हैं कि फंक्शन जनरेटर जो है हमारे पास वो ये लिखा हो, ये रहा फंक्शन जनरेटर, ये उसकी सिंक्रोनस की है, और साथ ही साथ एक है हमारे पास ये फंक्शन आउट, देयर इज कॉल्ड, देयर इज अ नॉट कॉल्ड फंक्शन आउट। इस फंक्शन आउट से हमारे पास हमने जो चीजें निकाली थी, यानी हम क्या करेंगे इस फंक्शन आउट को मल्टीप्लायर वन, ये तो मल्टीप्लायर वन है ना, इसको हम फंक्शन आउट से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा 10 किलोहर्ट्ज का साइन वेव आ गया यहां से फंक्शन आउट से। और इसी फंक्शन आउट से हम जो है, इसी फंक्शन आउट से जो है हम फेज शिफ्टर को दे देंगे, दूसरी भी नॉब निकाली थी ना मैंने, यहाँ पर एक और नॉब निकाली थी मैंने ये फेज शिफ्टर के साथ, और इसी फंक्शन आउट से, इसको तार छोटी है इसकी, बड़ी तार ले लेंगे, इसी फंक्शन आउट से हम जो है वो जो है फेज शिफ्टर को इनपुट दे दिया, और हम यहीं से डायरेक्टली इसको व्यू करके देख सकते हैं। यानी अभी हमने क्या किया, ये फंक्शन जनरेटर का यूज कर लिया है एज आवर सिग्नल जनरेटर, कि फंक्शन आउट जो है सिग्नल जनरेटर का हमने उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो सिग्नल जनरेट किया है, और हमने यहाँ से आउटपुट लेके, ये सही है, और इसकी आउटपुट यहाँ लगा दी, और इसको हम यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, ये बेसमेंट सिग्नल को हम व्यू कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे अगेन देखते हैं हम। अच्छा, अब हम सेकंड पार्ट ये कर रहे हैं, सॉरी आवाज आ रही है ना आपको सबको मेरी बेटा? आर यू गाइस? यस सर। अच्छा, अब सेकंड पार्ट ये कर रहे हैं हम कि फंक्शन जनरेटर से हम इनपुट ले रहे हैं, और फंक्शन जनरेटर से इनपुट लेके हम जो है वो उसको डाल रहे हैं फेज शिफ्टर पे। तो पहले फंक्शन जनरेटर की हम इनपुट देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन जनरेटर की इनपुट आती कैसे है, और उसका मैनुअल मोड कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रीन शेयर पे गए हम, स्क्रीन शेयर पे ये एनआई एल्विस का बोर्ड है, इसको ऑन किया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें एक ये ऑसिलोस्कोप लिखा हुआ है, ये ऑसिलोस्कोप है और ये फंक्शन जनरेटर है। तो अगर आपने फंक्शन जनरेटर पीसी से इस्तेमाल करना है तो आप पीसी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैनुअल मोड का चेक है, मैं दोनों से आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, लेकिन मैनुअल मोड से भी बेहतर इस्तेमाल करना, उसकी रीडिंग नजर आती है। सबसे पहले ऑसिलोस्कोप पे हम जाएंगे, ऑसिलोस्कोप पे न्यू शेयर ऑन करेंगे, ये आपको ऑसिलोस्कोप नजर आएगा। अच्छा, अभी आप देखें ऑसिलोस्कोप पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, अभी आप देखें ऑसिलोस्कोप पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फंक्शन जनरेटर हमने ऑन नहीं किया, और अगेन हमारे पास यहाँ पर मैनुअल मोड, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर मैनुअल मोड पे है तो हमारा यहाँ पर लाइट ऑन होनी चाहिए, तो लाइट भी ऑन नहीं हो रही। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा जो है ये फंक्शन जनरेटर, इसको क्लिक करूंगा मैं, फंक्शन जनरेटर क्लिक किया मैंने तो मेरे पास फंक्शन जनरेटर का कंट्रोल ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ ये ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, इसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा ऑन, तो यहाँ पर कुछ सेकेंड्स बाद फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी इधर। अब आई बात समझ में, कुछ सेकेंड्स बाद यहाँ फ्रिक्वेंसीज आ गई, मैं इस फ्रिक्वेंसीज को डायरेक्टली यहाँ पर क्या कहते हैं 100 किलोहर्ट्ज़ है, मैं इसको 1000, 1 किलोहर्ट्ज़ हो गया, 10000, ये 10 किलोहर्ट्ज़ हो गया, यानी 10 किलोहर्ट्ज़ की वेव आ गई। यहाँ देख रहे हैं मैनुअल मोड है यहाँ पर, जैसे इस मैनुअल मोड पे क्लिक करूंगा तो वहां पर ये ग्रीन एलईडी, यहाँ पर जो ग्रीन एलईडी है ना, ये ग्रीन एलईडी है, ये ग्रीन एलईडी एकदम से ऑन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर मैनुअल मोड पे क्लिक किया, देखें ग्रीन एलईडी ऑन हो गई बेटा। हाँ, यस सर। अब जैसे मैनुअल मोड से ऑफ करूंगा, जैसे मैनुअल मोड से ऑफ किया मैंने, ग्रीन एलईडी ऑफ हो गई, ऐसा ही है। यस सर। अगेन अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको मैनुअल मोड पे रखा है, तो ये जो बोर्ड है ये बोर्ड एक्सेप्ट करेगा मैनुअल मोड से इनपुट, तो इसकी एलईडी ऑन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पीसी कंट्रोल पे जाऊंगा, इसका मतलब ये है कि जो 10 किलोवाट्स की वेव यहाँ से मैं दे रहा हूँ ये मिलना शुरू हो जाएगा, ये जो पीसी की वेव है। इसको ऑसिलोस्कोप पे हम व्यू भी कर लेते हैं, अगर हम इसको फेस शिफ्ट करना चाहें तो फेस शिफ्ट भी हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से भी फेस शिफ्ट पॉसिबल है, देखें फेस शिफ्ट नजर भी आएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैनुअल, सॉरी पीसी कंट्रोल से ना करूं, मैनुअल मोड से करूं, तो इसके लिए मुझे दोबारा
इसके लिए दोबारा मुझे कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, फंक्शन जनरेटर में जाना पड़ेगा। मैं फंक्शन जनरेटर पर जाऊंगा, यहाँ जैसे ही मैनुअल मोड करूंगा, जैसे ही मैं मैनुअल मोड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सीएस की लाइट ऑन हो जाएगी, सही है। जैसे ही मैंने मैनुअल मोड किया इसकी लाइट मेरे पास ऑन हो गई। अब मैं जो हूँ ऑसिलोस्कोप पे जाऊंगा, सही है। इसको मैंने मैनुअल मोड पे किया, अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बेटा, हाँ यस क्लास, यस एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, सेकेंडली हम यहाँ से इसकी फेज शिफ्ट भी देख सकते हैं। ये देखें फेज शिफ्ट 180 डिग्री पे हो गई, ये फेज शिफ्ट 0 पे हो गई। ये देखें आप, पहले ये फेज शिफ्ट आ रहा है, सही है। अब इसके बाद जैसे ही मैं करूंगा यहाँ से चेंज करूंगा, देखिए ये फेज शिफ्ट आ गया, यानी 0 डिग्री, ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। अच्छा जी, इसको मजीद फेज शिफ्ट दूंगा तो मेरे पास फेज शिफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया ये कंप्लीट। इसको मैं बीच में कर दूंगा, इसको बीच में कर दूंगा तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा मेरे पास। ये बीच में कर दिया मैंने, ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा, इसको मैं बिल्कुल 0 पे कर दूंगा तो ये फेज शिफ्टेड मेरे पास आउटपुट नजर आ गई मेरे पास। देख रहे हैं आप, ये एक फेज शिफ्ट, ये 0 डिग्री पे तकरीबन बराबर है। और इसको मैं अगर मजीद आगे कर दूं, ये देखें तो ये फेज शिफ्ट नजर आ जाएगी। डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली फेज शिफ्ट आउटपुट आ जाएगी। देखें अभी ये आउटपुट इस तरह से है इन फेज, और जैसे ही मैं इसका ये 0 करूंगा, ये देखें देखें आउटपुट फेज, तो ये फर्क है कि किस तरह से आप इसको इन फेज आउट ऑफ फेज डायरेक्टली कर सकते हैं या यहाँ से फेज शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसको जो है दोबारा फंक्शन जनरेटर से जो हमारी आउटपुट आ गई है, अब हम इसको व्यू करते हैं कि इसी आउटपुट को हम यूज करते हैं फॉर यूजिंग द फंक्शन जनरेटर जो हमारे पास जो था। इसको हमने यहाँ से निकाला सर, इसको हमने यहाँ से निकालने के बाद मल्टीप्लायर नंबर, सॉरी ये लगी हुई तो थी, यहाँ से निकाला, ये मल्टीप्लायर नंबर 1 में चली गई, यहाँ से ये आ गई, सही। और दूसरी तो कोई चीज नहीं निकली हुई थी, ये देखें। अब हमारे पास देखिए सिंगल साइड बैंड जैसे मॉड्यूलेटेड वेव है ना, वैसे सिंगल साइड बैंड वेव नजर आ रही है आपको। ये एक देखें, मैं आपको दोबारा मैं इसमें दिखाऊं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ लैब नंबर 7, जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये देखें, यानी आपके पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इस तरह से था, ये आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, सिंगल साइड बैंड का भी कैरियर इसी तरह से नजर आएगा, यानी उसी के वेव के साथ उसी सेम फेस का नजर आ रहा है आपको सिंगल साइड बैंड कैरियर, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की फ्रीक्वेंसी के साथ और मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट से। तो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर व्यूइंग ऑन आवर ऑसिलोस्कोप राइट नाउ करंटली। अब हम सिंगल साइड बैंड के आउटपुट को व्यू करते हैं, तो हमने इसको जैसे ही हम लगाएंगे तो जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है उसी के रिस्पेक्ट से आपको सिंगल साइड बैंड आउटपुट नजर आना चाहिए। ये देखिए दिस इज द आउटपुट दैट वी आर व्यूइंग एज अ सिंगल साइड बैंड। अच्छा ये सिंगल साइड बैंड कैरियर। अब देखें फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से भी आपको एक तो मखसूस फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट मिल रही है, फ्रीक्वेंसी जो आपको मिल रही है वो 89 सॉरी ग्रीन वाली की चल रही है, ग्रीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज़ है, और जो आपको ब्लू की फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 89 किलोहर्ट्ज़ मिल रही है, 89 90 यानी कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी मिल रही है ब्लू की फ्रीक्वेंसी। वेयर इज कंसर्न जब हम दोनों व्यू कर रहे थे फ्रीक्वेंसी अपर साइड बैंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, तो दैट इज द मेन थिंग जो हमने अभी आज व्यू किया। दूसरा चैनल में आपको ये रहा, इसी को अगर ये जो चैनल है ये यहाँ पर ये बेसमेंट सिग्नल को दिखा रहा है, मैं आपको यहाँ पर आउटपुट नंबर मैं अभी आपको डबल साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी और सिंगल साइड बैंड की आउटपुट ये दोनों में फर्क दिखाना चाह रहा हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसीज में देखें फर्क है, सही है। एक तो ये आ गया आपके पास सिंगल डबल, एक ये बैंड आ गया आपके पास और एक बैंड ये आ गया आपके पास, दोनों बैंड देखें, दोनों बैंड मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर और इसको मैंने ऐड करके दिखा दिया आपको, सही है। तो और फिर मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया, तो ये फर्क नजर आ रहा है आपको आपके पास फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से। तो दिस कंक्लूड्स आवर लैब नंबर कहना चाहिए 7, I hope you understand it. कोई सवाल हो तो बताइए।
दूसरा हमने गेन्स दोनों सेलेक्ट नहीं किए इसी तरीके से, दोनों गेन्स हमें सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा अब हम देखते हैं कि सिंगल साइड बैंड आउटपुट कैसे नजर आती है। अच्छा उसका स्कोप व्यू करते हैं पहले, तो ऑसिलोस्कोप हमारे पास आ गया, ऑसिलोस्कोप में न्यू शेयर ऑसिलोस्कोप आ गया। अच्छा ना दोनों ने व्यू किया और इसको ये देखिए, ये हमारे पास देखिए, अब ये देख सकते हैं आप इजीली कि हमारे पास दोनों ये ग्रीन सिग्नल जो है ग्रीन, सॉरी मैं देख के बताता हूँ आपको कि हाँ ये जो हमारे पास चैनल नंबर वन की जो आउटपुट है वो ब्लू पिन पर, यानी ब्लू जो मैं इसमें मूव कर रहा हूँ ये और ये दोनों इन फेज हमारे पास है। अब मैं आपको सिंपलेस्ट वे में मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, ये हमारे पास आउटपुट आ रही है सिंगल साइड बैंड की, दिस इज द सिंगल साइड बैंड आउटपुट। अब देखिएगा मैं कैसे फेज चेंज करता हूँ, और फेज चेंज करने से जो फेज की नॉब है यहाँ पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, किस तरह से हमारे पास आउटपुट चेंज हो रही है। देखिए ये देखिए जैसे फेज चेंज किया तो ज्यादा फेस कैंसिलिंग नहीं हो रही हमारे पास, जैसे फेस कैंसिलिंग नहीं होगी तो हमारे पास आउटपुट भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये देखिए अभी फेज एक्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा, जैसे ही 90 डिग्री पे आएगा तो हमारे पास आउटपुट आएगी सिंगल साइड बैंड की, अदरवाइज आउटपुट हमारे पास सिंगल साइड बैंड की नहीं आएगी। ये देखिए फेज पूरा मैंने चेंज कर दिया, हमारे पास सिंगल साइड बैंड की आउटपुट नहीं आ रही। मैं आहिस्ता आहिस्ता फेज शिफ्ट करता जा रहा हूँ, ये देखिए फेज शिफ्ट करता जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता फेज शिफ्ट करता जाऊंगा। अभी देखिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, अभी हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। मैं इसको मजीद चेंज करता हूँ, ये देखिए मजीद चेंज कर रहा हूँ, फेज शिफ्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए फेज शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए आउटपुट मैच होना शुरू हो रही है, अभी भी फेज शिफ्ट बाकी है, और मजीद फेज शिफ्ट करूंगा। ये देखिए ये थोड़ा सा माइनर टीकिंग है, एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए फेस की, एग्जैक्ट मैचिंग जब फेस की करेंगे तो हमारे पास काफी हद तक सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर आउटपुट नजर आ रही है। ये एग्जैक्ट टीकिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मैं गेन को वेरी करूंगा, देखिए गेन वेरी करेंगे तो अगेन दोनों वेव के गेन बराबर होना चाहिए, जैसे गेन वेरी करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में चेंज होगी। तो गेन चेंज करें आप, दोनों वेव्स के गेन बराबर होने चाहिए, या उसको स्कोप से भी आप सेट कर सकते हैं गेन, और वैसे भी आप गेन सेट कर सकते हैं। दोनों के गेन्स देखें जब बराबर होंगे, ये देखिए गेन बराबर हुआ आहिस्ता से और माइनर ट्यूबिंग बराबर, देखें अब देखें फिर दोबारा फिर देखें ये वेरिएशन आ गए, तो आपके पास गेन भी इक्वलेंट जब होंगे दोनों वेव्स के, ये देखें ऑलमोस्ट सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के आउटपुट आपके पास, ये देखें यहाँ पर आना शुरू हो गए। दूसरा देखें यहाँ से देखें गेन वेरी करेंगे तो गेन वेरी कर रहे हैं तो आउटपुट वेरी हो रही है, गेन की वेरिएशन भी जो है बराबर इक्वलेंट चाहिए, या तो आप बिल्कुल जीरो पे कर देंगे, अब बिल्कुल जीरो पे किया आपने, ये देखें उससे क्या हो रहा है, ये देखें जीरो पे करने से गेन बिल्कुल जीरो पे दे रहा है। मैं आपको उसको आउटपुट दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल जीरो पे दे रहे हैं, तो अब वेरिएशन फिर भी मिसमैचिंग है। अब उसको गेन को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर इंक्रीज किया फिर यहाँ से इंक्रीज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखें वेरिएशन बराबर करेंगे, किसी हद पे जाके वो इक्वलेंट आ जानी चाहिए। दोबारा फिर वेरी कर देंगे, होल्ड ऑन अ सेकंड में उसका टाइम डिविजन सेट करें ताकि वो वेव सही तरह नजर आने चाहिए। हाँ जी ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से जैसे यहाँ से सेट हो तो ऊपर वाले गेम को वेरी करें। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि एक को निकाल के एक को सेट कर लें, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास मैचिंग हो सकती है, जो मैंने की ऐसी बात है हमारे पास हम सॉफ्ट कंट्रोल से नहीं कर रहे, हम जो है वो मैनुअल कंट्रोल से कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ जो है वो एरर्स आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए। सॉफ्ट कंट्रोल पे एरर्स बिल्कुल नहीं आते, मैनुअल कंट्रोल पे एरर्स बिल्कुल नहीं आते, जो आपके मैनुअल कंट्रोल से उस पर हल्के हल्के एरर्स आते हैं। तो हमने सिंगल साइड बैंड जो है वो अब आउटपुट देख लिए, देखिए सिंगल साइड बैंड आउटपुट देख लिए। अब हम क्या करते हैं, हम आपको ये इसको भी करके दिखाते हैं, देखें ये सेम नोट के ऊपर देखिए, ये अब ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, ये हमारे पास जो आउटपुट आ रही है 110 kHz की कोसाइन वेव है, देखिए 100 kHz की कोसाइन वेव है और ये हमारे पास 100 kHz की साइन वेव, 100 kHz साइन वेव,
एक मखसूस उसकी जो है वो एप्टीट्यूड है. तो दिस इज अवर सिंगल साइड वेंट ट्रांसमिशन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.